देखिए बेनर्जी जी ने कहा था कि बीजेपी 10 सीट से ज्यादा नहीं पाएगी। एक मिनट करेक्शन है उसमें, बीजेपी 5 सीट से ज्यादा नहीं लाएगा। तो बेनर्जी जी को बताना चाहता हूं कि 10 नहीं है, सिर्फ 5, वो भी बड़ी मुश्किल से। भारतीय गुंडा पार्टी बीजेपी, भारतीय झूठा पार्टी, भारतीय गुंडा पार्टी, भारतीय झूठा पार्टी, भारतीय जुमला पार्टी पिछले 5 साल से हर साल 24,000 करोड़ पेट्रोल डीजल का टैक्स लेता है त्रिपुरा से, 24,000 करोड़। लेकिन त्रिपुरा को जनता को कुछ नहीं देता है, जनता गरीब होते जा रही है, महंगाई बढ़ रही है और बीजेपी का नेता मोटे होते जा रहे हैं। गलत है क्या? अब कुछ दिन पहले मैं एक मोटरसाइकिल रैली में था, मैं तो पूर्व सांसद हूं, झारखंड के प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट था, AICCWC का मेंबर हूं। उस मोटरसाइकिल रैली में सुशांत जो इनके जो गुंडे मंत्री हैं मजलिसपुर का, उसके आदमी ने छुप करके पत्थर फेंका, हमला किया छुप के, क्योंकि डरपोक लोग हैं। हमारा सर पर लगा, चेहरा का हड्डी टूट गया, हाथ लगा, क्योंकि बीजेपी एक डरपोक वाली पार्टी है, छुप के पत्थर फेंकता है, छुप के जो है ऑफिस जलाता है। जितने भी यहां पर उपस्थित लोग हैं, पहला काम है कि देखो बीजेपी जा रही है और लेफ्ट और कांग्रेस की सरकार आ रही है, ये बात एकदम आप लोग समझ जाइए। क्या ताली तो बजा दो यार, आपकी सरकार है, हमारी सरकार है। अब देश के साथ देखिए, ये जो हम लेफ्ट और कांग्रेस साथ में क्यों है, क्योंकि अब ये त्रिपुरा का आत्मा की लड़ाई है, ये इस देश का आत्मा की लड़ाई है, ये इस देश का ट्राइबल की लड़ाई है, स्केड्यूल कास्ट की लड़ाई है, महिला की लड़ाई है, नौजवान की लड़ाई है। सबसे ज्यादा भारत में बेरोजगारी त्रिपुरा में है, सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट। आपको याद होगा एक सुनील दियोदर नाम का व्यक्ति था, याद है, आरएसएस का एक आदमी था, भाग गया सुनील दियोदर, कहां गया, भाग गया। उसने कहा कि एक मिस कॉल दो तो मैं आपको नौकरी दूंगा, बोला था ना, आया ना, आप कहां है सुनील दियोदर? नागपुर में छुप गया, आरएसएस के मुख्यालय में घुस गया। ये भारतीय झूठी पार्टी का यही काम है, हिंदू मुस्लिम सुबह शाम, बस कुछ नहीं करेगा हिंदू के लिए, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करता है, कुछ करता ही नहीं है, बस नफरत नफरत नफरत। और आपका काम है पूछो अंडा का दाम, अंडा में कितने, एक 4 अंडा कितने रुपए में मिलता है, हाँ? पहले कितने में मिलता था, उससे पहले, 1 साल पहले, 5 साल पहले, फिर 50% इंक्रीज हुआ। दूध का दाम कितना है, 50% इंक्रीज। गेहूं चावल सरसों तेल को इतना महंगा कर दिया मोदी ने कि खाने का प्लेट से निकाल के सिर्फ कान में डालने लायक छोड़ दिया है, सही है कि नहीं? हम तो नहीं खाते भाई साहब सरसों, मोदी ने तो सिर्फ कान में भी, जो है बीबी बोलती इतना ज्यादा कान में मत डालो, बहुत महंगा हो गया। गरीब का जितने भी हक है, त्रिपुरा में सबसे ज्यादा, सबसे कम लेबर को पैसा त्रिपुरा में दिया जाता है, 160 रुपए के आसपास, उसी तरह से चाय बगान में, उसी तरह से मनरेगा में, अस्पताल के बिल्डिंग बनते हैं डॉक्टर्स नहीं है, स्कूल्स बनते हैं टीचर्स नहीं है।
लड़ाई इसकी है। हमने कहा कि हम पुराना जो है हम पुराना पेंशन स्कीम लाएंगे, 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 500 रुपए सिलेंडर गैस सिलेंडर देंगे, क्योंकि जब आप गरीब आदमी को मदद करोगे तो वो अपना परिवार को देखेगा। आया ना, आप एक तरफ देख लीजिए, माणिक सरकार जी, जितेंद्र चौधरी जी, बिरजीत सिन्हा, सुदीप वर्मा, मंच में देख लीजिए, तपन जी हैं, बद्रु जमान को देख लो, नेपाल जी को देख लो, शरीफ लोग है ना, बीजेपी के तरफ देख लो, सुशांत तो, रतनलाल, राम प्रसाद पाल, तो ये गुंडों की फौज है क्या? ये कोई जेल से निकाल के ले आए क्या इन सब लोगों को? कुछ दिन पहले इस ग्राउंड में एक बच्ची का लाश मिला, आपको मालूम है? थाना कहां है, पुलिस स्टेशन कहां है? लेकिन कोई गरीब की बच्ची है तो वो कुछ मायने नहीं रखता है भाजपा को। इसी ग्राउंड में थाने के सामने हमारे एक गरीब बच्ची का जो लाश मिलता है और थाना कुछ नहीं करता है। पापिया चेला में हमारी बच्ची का रेप होता है, भगवान दास के बेटा के माध्यम से, कुछ नहीं होता है। गलत है कि सही है? यह है भाजपा जिसमें आम जनता का कोई हक नहीं है, हमारी बेटी की कोई इज्जत नहीं है, कोई इज्जत नहीं है कि इसका जो है एक भगवान दास का बेटा रेप करता है, हमारी बच्ची का कोई कार्रवाई नहीं होती है, एफआईआर तक नहीं होता है। चलो आप देख लीजिए, इस तरह के गुंडों को आप बताइए, मेसी का फुटबॉल का किक देखे हो ना, तो किक करो बीजेपी को, किक देम आउट ऑफ त्रिपुरा, बीजेपी को मेसी वाला किक देके भगाइए। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं इनको झारखंड से जानता हूं, पूरा देश में देखता हूं, इनके प्रधानमंत्री झूठ के सरदार है, अमित शाह झूठ के राजकुमार है, पूरा जो है आरएसएस बीजेपी झूठ एक गैंग के रूप में काम करता है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं, जैसे माननीय सरकार साहब ने कहा था, आप डरिए मत, चुनाव का दिन हर बूथ के सामने वीडियो ऑन करके लाइव चलाओ, बात समझ रहे ना, लड़ाई मत करो, लाइव करो, बीजेपी का जो चुपचाप मोबाइल फोन आकर के लाइव करो बूथ में, और हम लोग को भेजो कंट्रोल रूम, इसको जो हम लोग का इसको जो ठीक करेंगे, डरना नहीं है, लड़ाई बूथ पे होगी। और कांग्रेस और सीपीएम के साथी गण से बच्चे लोग जितने भी आप लोग हैं, हम लोग एक हैं, एक हाथ मुट्ठी के साथ साथ में लड़िए, क्योंकि हमारा भविष्य, हमारा बच्चे का भविष्य, माताएं की इज्जत, बेटियों की इज्जत, नौकरी, सब दांव पर है। हेलीकॉप्टर में आता है भाई साहब, हेलीकॉप्टर में, हम लोग क्या है, गाड़ी में, ट्रेन में, आप और हम जैसे एक ही है, ये हवाई जहाज से आता है, हेलीकॉप्टर से, सुना कि बहुत पैसे लेके आता है, ये हेलीकॉप्टर इसका बाप का नहीं है, ये आपका पैसे का है, ये आपका पैसे से लेकर के सत्ता में आकर के हेलीकॉप्टर में घूमता है, उसी आदमी को जो है ना फुटपाथ पे ले आओ, और आपके पास वो शक्ति है। हमने प्रॉमिस किया था कि 50,000 नौकरी जो वैकेंसीज है, 50,000 जो त्रिपुरा में, उसको पूरा करेंगे। गैस का सिलेंडर के लिए हम लोग पूरी तरह से 5 साल में उसको 500 रुपए तक लाने का कोशिश करेंगे। ताली तो मजाक हो जाता है, जैसे सिद्धू जी बोलते ठोक डाली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हमारे पास, आपके पास आदिवासी समाज का सबसे बड़ा लीडर है, आया ना, क्या नाम है,
आपका सीपीएम का सबसे बड़ा लीडर जो आदिवासी समाज का, क्या नाम है, नाम बताइए, सुनाई नहीं दे रहा है। तो मैं बता रहा हूं कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री वामपंथी का होगा और एक आदिवासी मुख्यमंत्री होगा। और जाकर बोल देना जितने भी ढोंगी लोग हैं कि असली आदिवासी मुख्यमंत्री जो भूमि पुत्र है वो इस गठबंधन का एक लीडर होगा। क्या नाम है फिर से बताइए, जोर से बोलो यार, बाई तरफ क्या दुश्मनी चल रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। तो आपकी सरकार बनेगी, ऐसा लीडर को चुनिए, ऐसा पार्टी को चुनिए। विरजित सिन्हा को देख लीजिए, हमेशा आपके साथ लड़ते हैं। तपन जी को देख लीजिए, हमेशा आपके साथ। हमारे भाई कृष्णेंदु जी जो चंडीपुर से लड़ रहे हैं, ये है असली लीडर का पहचान, जो आपके साथ खड़ा रहता है। तो आखिरी में मैं यही कहूंगा, मैं तो एक पूर्व आईपीएस ऑफिसर था, अगर हमारे ऊपर ये लोग छुपके से पत्थर और लाठी पत्थर चला सकते हैं तो इस प्रदेश का आम पहले उसका हत्या होता है, उसकी वो स्थिति होती है। आप बात समझ रहे हैं ना, जब हम जैसे व्यक्ति को ये लोग हमला करने के लिए डरते नहीं है तो आप सब आम जनता जो बेचारे अपने रोजी रोटी कमा रहे उनका क्या सुरक्षा है। तो गुंडों को भगाओ, प्रॉमिस, जोर से बोलो कि भारतीय गुंडा पार्टी को आप भगाओगे, जोर से बोलो कि भारतीय गुंडा पार्टी को भगाएंगे। इसी शब्दों के साथ, जैसे राहुल गांधी जी हमेशा बोलते हैं, भारत जोड़ यात्रा के मन दरमियान, डरिए मत, बीजेपी 5 में समेटी, अगर बीजेपी को 5 में मिला तो बहुत उनके लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा, 5 के नीचे इसको रखना है। और चंडीपुर और कोयला शोर में क्या करना है, जमानत जब्त कराना है। एग्रीड, कोयला शोर और चंडीपुर में क्या करोगे, जमानत जब्त करोगे। तो इसी शब्दों के साथ मुझे पूरा विश्वास है फिर से त्रिपुरा में एक जनता की सरकार स्थापित होगी। एक लाल रंग और एक तिरंगा जो है, एक तरफ लाल झंडा एक तरफ तिरंगा झंडा, और आप सब लोग जाएंगे अगरतला शपथ ग्रहण के लिए जब एक जनता की सरकार आएगी। और मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग निराश नहीं होंगे। इस भीड़ को देख करके मैं एक ही चीज कह सकता हूं कि मोदी जी कल आना का प्रोग्राम कैंसिल कर दो, क्या फालतू में जो है भारत सरकार का प्लेन में लेकर तेल क्यों खर्च कर रहे हो, हार रहे हो मोदी, मिस्टर मोदी हार रहे हो, 11-13 को टिकट कट कर दो, कैंसिलेशन फीस हम दे देंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग को नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब।